गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जस्ट अभी मैंने एक वीडियो एंड किया है और अभी दूसरा वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं ना घर के लिए काफी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ। तो घर का ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो चुका है, तो अभी हमारा जो मेन फोकस है ना वो है घर की डेकोरेशन के ऊपर। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी करके शॉपिंग कर रहे हैं। तो हम लोग जब गए थे आशु के बर्थडे के लिए मॉल, तो वहां से मैं काफी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ, जो कि आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। होप ये होम डेकोरेशन हॉल वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि सारी ही चीजें सारे प्रोडक्ट्स बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और थोड़ा सा आज का ये वीडियो ना डिफरेंट भी हो जाएगा, तो चलिए आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि कोई भी किसी की भी शॉपिंग हो तो देखने में मजा आता ही है, और फिर अगर घर की शॉपिंग हो तो देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी 99 स्टोर से हमने क्या लिया घर के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिए हैं मम्मी की कमरे की जो टीवी यूनिट है उसके लिए, और हमारे वाली टीवी यूनिट के लिए कुछ डेकोर पीसेस लिए। तो मैंने ना ये आर्टिफिशियल फ्लावर वेस लिए हैं, तो ये हमने दो लिए हैं मम्मी के रूम के लिए, और ये वाला एक जो थोड़ा काफी बड़ा है तो ये हमने लिया है हमारे बेडरूम के लिए, यानी कि मास्टर बेडरूम के लिए। तो ये टीवी यूनिट के ऊपर मैं रखने वाली हूँ, बाकी देखते हैं अभी जब आप लोगों के साथ में मैं एक एक करके हर रूम की डेकोर वीडियो शेयर करूंगी, तो तब देखते हैं कि कौन सी चीज हम लोग कहाँ पे सेट करते हैं या कौन सी चीज कहाँ अच्छी लगती है। फिलहाल हम लोग सोच के तो यही लाए हैं, तो ये हमारे वाली टीवी यूनिट के लिए मैं लाई हूँ, क्योंकि हमारी टीवी यूनिट ना काफी लाइट शेड में है, व्हाइट के शेड में, तो उसके ऊपर ना ये कलरफुल सा फ्लावर वेस काफी अच्छा लगेगा। तो ये है, साथ में एक और फ्लावर वेस है जो कि इस तरीके से ना हैंगिंग है, तो ये वाला मैं लेके आई हूँ, जो हमारा नीचे हॉल में यूनिट बनी हुई है तो ये उसके लिए है, काफी अच्छा लगा था मुझे। तो इस तरीके से ना इसमें सर्कुलेंट है तो काफी अच्छा है, इसको आप हैंग भी कर सकते हो और इसको चाहे तो रख भी सकते हो, तो मैं तो रखने वाली हूँ यूनिट में, क्योंकि उसमें ना एक दो जो है ना उसमें जगह खाली है, तो वहां हम इसको सेट करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं आपको 99 स्टोर से हमने क्या लिया है ना वो आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, और साथ ही मैंने लिया है ये 3 मिरर का सेट। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने ले लिया है, थोड़ा मोटा मोटा मैंने सोचा है कि कौन सी चीज कहाँ पे लगेगी, बाकी देखते हैं जब इसको लगाएंगे तो कौन सी चीज कहाँ पे अच्छी लगने वाली है, तो वो देखते हैं। फिलहाल हमने ले लिया है, तो ये मैंने 3 वॉल मिरर्स का सेट लिया है, ये भी हमने 99 स्टोर से ही लिया है, और बाकी हमारी जो शॉपिंग है ना वो हमने की है होम सेंटर से। तो चलिए होम सेंटर से जो हमने डेकोर लिया है वो आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, और अब तक मैंने इसको खोला नहीं था, अभी आप लोग के सामने ही इसको खोल के मैं दिखाऊंगी। और मुझे होम सेंटर के जो डेकोर आइटम्स होते हैं ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं, और नीचे जो हॉल में आप लोगों ने देखा होगा हमारी यूनिट बनी हुई है, उसमें जो भी मेरा डेकोर है ना वो मोस्टली हम लोगों ने होम सेंटर से ही लिया है, तो मुझे काफी अच्छा लगता है होम सेंटर से लेना, काफी अच्छे पीसेस होते हैं इनके। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया है ये एक वाइट कलर का बोन चाइना में बना हुआ ये पाइनएप्पल है, तो इसको मैंने हॉल की जो यूनिट हमारी बनी हुई है उसके लिए मैंने लिया है, तो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। और वाइट ही मैंने डेकोर पीसेस मोस्टली मैंने लिए हैं, क्योंकि हमारी जो हॉल की यानी कि लिविंग एरिया की जो यूनिट है ना वो डार्क ब्राउन कलर में है, तो इसलिए ना उस पर वाइट काफी अच्छे से हाईलाइट होता है, तो एक मैंने लिया है ये, और दूसरा मैंने लिया है ये वाला एक शोपीस, जो कि इस तरीके से डियर का है, एक बैठा हुआ डियर ऑलरेडी मेरी यूनिट में लगा हुआ है, जो कि मैंने सेम होम सेंटर से ही लिया था, तो उसी के साथ का ये स्टैंडिंग डियर मैंने लिया है। तो ये देखिए कैसे लग रहे हैं सारे आइटम्स मुझे जरूर बताइएगा। तो ये थोड़े डेलिकेट है तो इसको मैं साइड में रख रही हूँ आराम से ताकि ये टूटे नहीं, और
थर्ड जो शोपीस हमने लिया है वो भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। जो हमने शोपीस लिया है वो है ये वाला, जो कि एक एलिफेंट है। और सुना है मैंने कि जो एलिफेंट की ट्रंक ऊपर की तरफ होती है वो काफी अच्छा होता है घर के लिए, तो ये मैंने एक शोपीस लिया है। और ये ना बहुत अच्छे से, मैं एंटीक लुक आप बोल सकते हो, तो ये एंटीक लुक में है। ये भी सेम मैंने नीचे हॉल की यूनिट के लिए ही लिया है। तो ये तो हो गए दोनों तीनों जो हमने होम सेंटर से लिए हैं। ये हमने लिए हैं नीचे ड्राइंग रूम के लिए। साथ में ना मैंने ली है ये वाली एक पेंटिंग, ये देखिए इसमें कलर थोड़े से डल आ रहे हैं, हालांकि ये काफी अच्छे से बेज कलर की पेंटिंग है। और ये ना 3 का सेट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ये पेंटिंग लगने वाली है। तो ये हमने ली है गेस्ट बेडरूम के लिए, अभी मम्मी के रूम के लिए और किड्स रूम के लिए मुझे ऑनलाइन मंगानी है, ये हमने ऑफलाइन होम सेंटर से ही ले ली थी। तो ये है हमारे गेस्ट बेडरूम के लिए, ये 3 पेंटिंग्स का, कैनवस पेंटिंग्स का सेट है। तो एक ये है और साथ में ये वाली जो पेंटिंग है ये हमने ली है अपने रूम के लिए, यानी कि मास्टर बेडरूम के लिए। और ये 2 पेंटिंग्स का सेट है, देखिए ये भी कैनवस पेंटिंग है, इसके कलर्स काफी अच्छे हैं, बहुत प्यारा सा बेज, सी ब्लू कलर, ग्रीन कलर, काफी अच्छे सी ना, मुझे इसका जो प्रिंट है ना ये मुझे काफी अच्छा लगा था। तो ये हमने ली है, ये 2 पीस की पेंटिंग है, कैनवस पेंटिंग, ये हमारे रूम के लिए है। और एक मैंने डेकोर आइटम और लिया है, जो कि मैंने लिया है हमारे स्टेयर केस के लिए। स्टेयर केस पे मतलब स्टेयर्स पे जो वॉल होती है ना, वहां मैं किसी भी वॉल पर इसको लगाऊंगी। तो ये भी काफी अच्छा मोजाइक, इसमें मिरर्स लगे हुए हैं और काफी प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा वॉल डेकोर पीस है। तो ये मैंने लिया है, ये भी सेम मैंने होम सेंटर से लिया है। तो होम सेंटर से हमने काफी सारा सामान लिया है। साथ ही मैंने इस तरीके के ना 2 पिलोज लिए हैं, इस पे लिखा हुआ है इंस्पायर, आपको इसमें उल्टा नजर आ रहा होगा। तो ये 2 पिलोज मैंने लिए हैं बच्चों के रूम के लिए, तो काफी ब्राइट कलर्स मुझे लगे और काफी अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने लिया है। और ये दोनों के लिए मैंने सेम ही लिए हैं, दोनों बेड के लिए, ये देखिए, तो एक नोनो के बेड के लिए, एक एमी के बेड के लिए। और जी एक मैंने पिलो, वो भी मैं अभी आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि ये भी मेरा होम डेकोर के लिए है। और अभी मैं अपने घर के लिए ना काफी सारी शॉपिंग कर रही हूँ, जहां से मुझे जो भी अच्छा लग रहा है मैं ले रही हूँ, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे आगे आप लोगों के साथ में मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैं जितने भी रूम्स हैं या फिर मेरा लिविंग एरिया है उसको जब डेकोर करूंगी तो सारे वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करूंगी, आप लोग काफी इंजॉय करने वाले हो आगे आने वाले वीडियोस। तो ये सब उन्हीं की तैयारी में कर रही हूँ, क्योंकि घर को अभी मुझे काफी अच्छा सा लुक देना है। अभी बन गया है, सब कुछ हो चुका है, तो बस अभी घर को अच्छे से डेकोरेट करेंगे, इसको एक अच्छा सा लुक देंगे और आप लोग के साथ प्यारे प्यारे वीडियो शेयर करेंगे। तो ये वाला एक पिलो मैंने लिया है अपने बेडरूम के लिए, तो देखिए कितना प्यारा सा कॉम्बिनेशन है इसका। कैमरे में उतने अच्छे ब्राइट कलर्स नहीं आ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा डल आ रहे हैं, मे बी शायद लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है। तो देखिए ये वाला है हमारे बेडरूम के लिए। तो बस अभी मैंने सब कुछ आपको ऑलमोस्ट दिखा दिया है। तो यार ये वाले जो पीसेज है ना व्हाइट वाले, ये तो पर्सनली मुझे काफी अच्छे लगते हैं और ये रखने के बाद में भी ना बहुत प्यारा लुक देते हैं। तो ये सब शॉपिंग जो है मैंने आप लोग के साथ में शेयर की है, मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा हमारा ये छोटा सा होम डेकोरेशन हॉल वीडियो। अभी आगे आने वाले वीडियोज ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे सभी रूम्स को मेकओवर करने वाली हूँ और आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस तरीके के मेरे डेकोरेशन मेकओवर वीडियोज आप लोगों को काफी पसंद आते हैं। इससे पहले भी मेरे चैनल पे मेरे ये वीडियोस काफी अच्छे पसंद किए हैं आप लोगों ने, तो अभी वही कैटेगरी के वीडियोस आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगी बहुत जल्द, उसकी तैयारी मैंने कर ली है। होप आप लोगों को ये आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, अच्छा लगा होगा। तो
तो मिलने आऊंगी मैं आप लोगों से बहुत जल्द. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय.